My masterpiece! I'll surely win the contest now. So what if I didn't paint it? No one needs to know that little bit. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मिस्टी के प्रैंक में। इस बार हमें मैडम की पेंटिंग ख़राब करनी है, क्योंकि मैडम इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग किस चीज़ की मुझे भी नहीं पता, पर बनाई है मिस्टी मैम ने। चलो देखते हैं अंदर जाके उसके साथ, पेंटिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आज। तो हम चलते हैं। मैडम अभी गार्डन में है, नीचे वाले में तो नहीं है। अच्छा, पीछे वाले गार्डन में है। तो सबसे पहले आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि ताला मिला नहीं है आज यहाँ पर। चलो चलते हैं, फिर कुछ तो मिल जाएगा आज। मैडम वैसे बाहर है, और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कैची मिल गई। चलो ये ले लेते हैं, ये बहुत काम की है अभी तो। और ऊपर की तरफ चलते हैं। मैडम अभी बाहर है तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब वॉशरूम में कुछ मिलेगा नहीं, ये वर्कशॉप वाला रूम होता है, इसमें देखते हैं। यार स्कल्पचर्स में भी कुछ भी नहीं मिला, म्यूज़िक रूम में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसे रूम ही है सबसे, इस गेम का सबसे ज़्यादा वेस्टेज रूम है म्यूज़िक रूम। और शिट, मैडम आ चुकी है। तो हम इजी वे यहाँ से बाहर चलते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा सेफली जाना पड़ेगा। और म्यूज़िक रूम जो कि सबसे पास में ही है, और मैं गिर गया गलती से। इसमें कुछ तो मिलेगा यार, क्या ढूँढें इसमें। चलो इसमें देखते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। यहाँ से चलते हैं। ये बॉल्स अपने किसी काम की भी नहीं है। कहीं पेंटिंग यही तो नहीं है मैडम वाली? ये फ़ोटो है, वैसे पेंटिंग नहीं है ये। अपन को बेसमेंट में चलना पड़ेगा, बेसमेंट में कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिला आज, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है रास्तों। ठीक है, को दूसरी जगह चलते हैं। मैडम देखो म्यूज़िक वाली रूम में है, वो बिल्कुल छानबीन कर रही है कि मैं यहाँ पे आया था या नहीं। रसोई यानी कि किचन में कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। फ्रिज में ये क्या चीज़ है, मीट है ये तो। ये मीट अपने किस काम का है वो देखना पड़ेगा बाद में। क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। मैडम नीचे आएगी तो ऊपर चल चलेंगे। और अरे नीचे आ रहे हो क्या? अपन को वर्कशॉप में भी चलना पड़ेगा। नीचे आ रही मैडम अब, तो हम यहाँ से सिंपली ऊपर चलते हैं। वर्कशॉप नहीं सॉरी शेड के अंदर, जो कि बाहर वाला है। अरे यार मिस्टी का रूम, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। ओ वाओ, यहाँ पर कटर भी है, और पर मेरे पास कैंची है तो कैंची यूज़ करूँ इसमें। इसकी आँखें निकाली मैंने, क्या करूँगा इसकी आंखों का वैसे। चलो देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। कैंची वापस उठाऊंगा क्या? यार ये कटर यूज हो सकता है क्या? ये मैडम की आवाज़ इतनी डेंजर है ना यार। कटर तो हमने लिया नहीं, चलो देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कटर लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। और ये मैडम है अभी वहाँ पर, ये ऊपर नहीं आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आई। तो मुझे सिंपली जिम की तरफ से जाना पड़ेगा, और ये मैडम को पता चल चुका है कि मैं यहाँ ही हूँ। यहाँ से भागना पड़ेगा, फटाफट भागना पड़ेगा सिंपली। यहाँ से एकदम क्लियर रास्ता ये वाला, ये जिम वाला रास्ता एकदम क्लियर रहता है, तो मुझे यही रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं गया नीचे की तरफ। अब तो मैडम को मैं दिखूंगा ही नहीं यहाँ पर। मैंने ये एक मिनट, यहाँ पर कुछ है, ये क्या चीज़ हो सकती है मुझे भी नहीं पता। और ये तो स्टेपलर जैसा कुछ लग रहा है ना, तो क्या करें अब, लेकर चले अंदर, कुछ और मिल जाएगा क्या? इनका करना क्या है? मुझे मैडम की पेंटिंग भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना यार। वो पेंटिंग कहाँ पर छुपा रखी होगी मैडम ने, बता नहीं मुझे भी। सिंपली वो पेंटिंग नहीं मिल रही मुझे यार। ये मैडम एक तो परेशान करके रख दी मेरे को, मेरा हाथ ही नहीं आऊँगा मैडम के। फंस चुका हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से कहीं और से चलते हैं, पीछे वाले रास्ते से। अरे वाह, यहाँ पर पेंटिंग है यार, यहाँ पे कुछ तो है ना।
यहाँ पर मैं क्या करूँ, आँख लगा दूँ पर आँख लगा नहीं पा रहा। मुझे आँख लगाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा ना, तो यहाँ से मुझे फटाफट भागना पड़ेगा अब यहाँ से, इससे कुछ दिखता नहीं है फिर आगे वाला। मैडम आ चुकी है नीचे और ये अभी शायद किचन की तरफ नहीं है, वो रही मैडम। और हम मैडम जा रही है टीवी वाले रूम में, तो हम करते हैं छानबीन यहाँ पर। यहाँ से हमने ले लिया था कुछ सामान, और क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर दो चीज़ है यार, एक ग्लू है जो धुला हुआ है और एक है जो एकदम पैक है। ये पैक वाला ले लेता हूँ मैं, अप्लाई द ग्लू द पेंटिंग। ओके ये मैं अब ये ग्लू अप्लाई करता हूँ उस जगह जहाँ पर पेंटिंग है। भाई सच में मैं सही टाइम पर भक्कर आया हूँ, वरना मैडम उसी रूम में आ रही थी अब इस बार। और ये मैं अप्लाई करता हूँ उस पर। ओ हाँ, इसके जगह मैं ये आँख लगा दूंगा ना। अब ये मैडम की आँख लगा दी है, और अभी इसका क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैंने लगा दिया। वाह यार भाई एक नंबर। अबे अबे क्या कर रहा है, अबे नहीं 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 एक बार इसको पहले फेंकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहीं पे चिपक जाएगा वरना ये। और ये यहाँ पे से मैंने लिया, और ये किया मैंने अप्लाई, और ये चिपका दिया मैडम की जीप को। अब क्या करना है, इसको ढक भी दे, अच्छा ढकना है इसको वापस। ठीक है भैया मैंने कर दिया कंप्लीट, और अब चलते हैं यहाँ पर छत के ऊपर, ताकि यहाँ से हम देख सके कि मैडम यहाँ से क्या करने वाली हैं। मैं यहाँ से दिखूँगा तो नहीं मैडम को वैसे। Feast your eyes on my masterpiece. Ta-da! तो हेलो गाइस, कैसे लगी आपको मैडम की पेंटिंग? बहुत ही शानदार बनाई थी मैडम ने वैसे, पर हमने इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। और इस पेंटिंग के लिए एक लाइक तो बनता है यार ब्रो।